आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो अर्थ पर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं सौरभ राज जैन आज फिर से आपके समक्ष हूं। कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे विनम्रता की, और आगे चलकर हम बात करेंगे दिखावे या आडंबर की। विनम्र या हम्बल होना या नम्र होना मनुष्य होने का प्राथमिक लक्षण है, लेकिन कभी कभी लोग विनम्रता को दब्बूपन या कायरता मानने लगते हैं, और जो विनम्र होता है उसका उपहास उड़ाने की होड़ सी शुरू हो जाती है। हम अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। जो दबंग या ढीठ होते हैं उनसे दबने लगते हैं, और जो नम्र और सरल होते हैं उनको दबाने लगते हैं, जबकि हमें विनम्रता का मान रखना चाहिए। ये विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें सहज रूप से मानवीय और उदार बनाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम विनम्रता की जीवन में आवश्यकता पर विवेचन करेंगे। तब तक सुनिए ये तीन गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा, आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की विनम्रता की जीवन में आवश्यकता पर। यदि हम विनम्र नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उदंड या ढीठ होंगे। विनम्रता हमें अहिंसक बनाती है। वो सिखाती है कि हम समाज में किस प्रकार सबके लिए उदारता और सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस का रास्ता खोलें। विनम्रता से एक और लाभ होता है। अक्सर लोग विनम्र को अपना शत्रु नहीं बल्कि एक प्रकार से अस्तित्व ना रखने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। ये अपना नजरिया होता है। तो कुछ लोग विनम्र व्यक्ति को भीरू अथवा कायर मानने लगते हैं, जबकि विनम्रता के लिए अक्रोध यानी क्रोधहीन होना आवश्यक है। जो क्रोधी होगा वो कभी भी विनम्र नहीं हो सकता, और क्रोधहीन होते ही कोई भी व्यक्ति सैकड़ों दुर्गुणों पर एक साथ विजय पा लेता है। इसीलिए यदि जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो अपने भीतर विनम्रता को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अविनयी या विनम्र व्यक्ति अंत में विपत्ति से घिर जाता है। विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने विनम्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सच्ची नम्रता सात्विकता के तेज से उज्जवल होती है। वो किसी को दूर नहीं करती, वो आत्म त्याग करती है और दूसरों को अपनाती है। हम प्रयत्न करके विनम्रता के महत्व को समझ लें और उसको अपनाएं तो हमारी अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। एक बार इस विनम्रता के मंत्र को आजमाइएगा अवश्य, आपको अच्छा लगेगा। समय है एक ब्रेक का और कुछ गानों का भी। ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे दिखावे और आडंबर की। सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा, आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हमने बात की थी विनम्रता पर, और अब हम बात करेंगे आडंबर या दिखावे की, जो हमारे जीवन में बिन बुलाए ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी लाखों रुपए महीने कमाता है, वो अक्सर नए नए ढंग के फोन और महंगी गाड़ियां लेकर आता है। हम उसके बराबर की आमदनी नहीं करते, लेकिन हमारे मन में उसे ये दिखाने की लालसा जागती है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। हम उसकी तरह की घड़ियां और फोन खरीदने निकल पड़ते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि जाने अनजाने हमें दिखावे या आडंबर की महाघातक बीमारी ने चपेट में ले लिया है।
क्या आपने कभी इस दिखावे के बारे में सोचा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस दिखावे की सामाजिकता के बारे में बात करेंगे। आप सुनिए कुछ गाने अर्थ पर। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ फिर से होगी मुलाकात यही 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा, आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अर्थ में सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे दिखावे के यथार्थ पर। ये दिखावा और कुछ नहीं, एक मानसिक बीमारी है। हमने अक्सर समझदार लोगों को इसके फंदे में पड़ते पाया है। ये और कुछ नहीं करती, बस इतना ही करती है कि आपसे विवेचना और समझ की शक्ति छीन लेती है और एक ऐसी अंधी दौड़ में कूद जाने के लिए तैयार कर देती है जिसका कोई सार्थक अंत नहीं दिखता। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपकी आमदनी लगभग 1,00,000 रुपए महीने है, लेकिन आपके एक पड़ोसी की आमदनी 5,00,000 रुपए महीने है और आपका पड़ोसी हर महीने 1,00,000 रुपए का दिखावटी सामान खरीदता है, हर हफ्ते महंगे होटलों में खाना खाता है। आप बिना विचार किए देखा देखी या आडंबर के जाल में आकर अपने पड़ोसी की राह चल निकलते हैं। उनकी नकल में आप यहीं नहीं रुकते, बल्कि साधारण तरीके से रेल की यात्रा ना करके हवाई यात्रा करने लगते हैं। आप अपनी आमदनी और अपने खर्च के अनुपात को भूलकर केवल पड़ोसी के खर्च की प्रतियोगिता पर उतर आते हैं और आडंबर को ध्यान में रखते हैं। आप वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे पड़ोसी या संबंधी जीते हैं। महीने दो महीने या तीन महीने के बाद होने वाली आपकी उलझन का हर कोई सरलता से अंदाजा लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आप दिखावे के इस जंजाल से बच नहीं सकते, बस पड़ोसी या संबंधी क्या खरीद रहे हैं इस पर ध्यान देने के स्थान पर आप इस पर ध्यान दें कि उनकी खरीद के पीछे कितना उनका धन बल है और कितना आडंबर। एक बार अगर आपने सरल गणित को समझ लिया तो जीवन में आप कभी भी किसी तरह के आडंबर के खेल में नहीं फंसेंगे। अर्थ पर आज हमने बात की विनम्रता और दिखावे की। कल करेंगे बातें दुख और स्वतंत्रता की। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन कल फिर लौटूंगा लेकर अर्थ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा, आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए शो अर्थ में सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे, दुख और स्वतंत्रता। जी हां, पहले हम बात करते हैं दुख पर। दुख और सुख जीवन के सदा साथ चलने वाले दो पहलू हैं। उसमें भी सुख का समय सदैव अल्प दिखता है, यानी कि कम दिखता है, और दुख का काल भारी लगता है। सुख को हम जल्दी बिसरा देते हैं और दुख हमें सदैव याद रहता है। किसी ने कहा है कि दुख के दिनों में सुख को याद करने से बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। कभी कभी तो सारे सुख भरे होते हैं जीवन में, लेकिन एक छोटा सा दुख सबको किरकिरा करता रहता है, वो हमें रात दिन सोने नहीं देता। दुख बड़ा हो या छोटा, पीड़ा उतनी ही देता है। एक ब्रेक के बाद विचार करेंगे कि ये दुख क्यों देता है कष्ट और इससे बचने का क्या है उपाय। तब तक सुनिए ये तीन गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा, आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अर्थ में सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। ब्रेक के पहले हम विचार कर रहे थे कि दुख का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। दुख और कुछ नहीं,
बीत गई बुरी घटनाओं और विपरीत परिस्थितियों को ना भूल पाने और सदैव उसको गले लगाए रखने का परिणाम है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि दुख को बड़ा करके उसकी छाया में स्वयं को बसा लेते हैं। कहते हैं ना कि जैसे हम शेल में चले जाते हैं। आइए एक उदाहरण से दुख को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास धन पर्याप्त है, लेकिन हम एक सपना देखते हैं कि हम लुट गए हैं। आंखें खुलती हैं तो हम अपने को लुटी अवस्था के सपने में घिरा पाते हैं। सत्य है कि हम लुटे नहीं हैं, लेकिन स्वप्न का सत्य है कि हम लुट गए हैं। हम स्वप्न को यथार्थ और यथार्थ को स्वप्न मानकर जीवन को हमेशा एक गलत पटरी पर चलाए रखते हैं। संसार और जीवन का सारा दुख इसी तरह के स्वप्न जैसा है। कभी कभी तो हम 20-25 साल पहले लगी चोट या दुर्घटना को वर्तमान में स्थान देकर दुखी होते रहते हैं। एक मंत्र है, सुख को बनाओ मित, दुख ना राखो चित। जीवन को दुख से बाहर करने का एक ही तरीका है, सुख से मित्रता करो और दुख को मन में स्थान ना दो, उसे गले लगाकर ना रखो, मौका मिलते ही उसे उतार फेंको, नहीं तो वो सुख की हत्या करके एक पल आराम से जीने नहीं देगा। अर्थ पर समय है एक ब्रेक का और कुछ गानों का भी। ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा, आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अर्थ में मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमने बात की थी दुख की और अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, आजादी या स्वाधीनता या स्वच्छंदता, ये सभी शब्द व्यक्ति किसी राज्य संस्था या देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। जब कोई कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं तो वो साथ ही ये भी कहता है कि मैं अपने मन की करता हूं। स्वतंत्रता एक तरह से मुक्ति का पर्याय है, लेकिन क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि स्वतंत्रता के भीतर कितने और अर्थ छिपे हैं? क्या ये स्वतंत्रता हमें अपने अधिकारों के बेरोक टोक प्रयोग के लिए स्वतंत्र करती है? एक ब्रेक के बाद हम इस स्वतंत्रता की आवश्यकता और वास्तविकता पर विचार करेंगे। आप सुनिए कुछ गाने अर्थ पर। मैं सौरभ राज जैन मिलूंगा आपसे यहीं 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा, आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अर्थ में सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। ब्रेक के पहले हमने कहा था कि हम स्वतंत्रता की वास्तविकता पर विचार करेंगे। कौन स्वतंत्र है? कुछ लोग ये कहते हैं कि हर प्रकार से मन चाह कार्य करने वाला ही स्वतंत्र है, तो कुछ का मानना है कि मात्र आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसी में सारी आजादी समाई है। अगर आप अपने मन से कुछ भी खरीद सकें, उसे पूरी तरह अपने लिए उपयोग में ला सकें और उसे किसी को भी उपयोग के लिए दे सकें, तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। प्रख्यात रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय स्वतंत्रता की एक नई व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जिसकी किसी भी बात का कोई भी खंडन ना करे, हर बात मानी जाए। यानी जो मनमानी करने वाला तानाशाह है वही स्वतंत्र है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहां से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है वहीं से आपकी आजादी का अंत हो जाता है। यानी हमारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसके विपरीत यदि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते तो आप पराधीन हैं, परतंत्र हैं। ये पराधीनता क्या है? हर बात के लिए किसी और का मुख देखना। कोई भी एक अन्य व्यक्ति जब आपके सभी निर्णय करे, यही वास्तविक पराधीनता या गुलामी है।
लेकिन ये स्वतंत्रता किसी को भी इस बात की छूट नहीं देती कि वो अपने सामाजिक कर्तव्यों से स्वयं को स्वतंत्र कर सके। अगर कोई अपने दायित्वों से स्वयं को मुक्त करने को स्वतंत्रता कहता है तो वो आजादी का पूरा मतलब ही गलत निकाल रहा है। इस स्वतंत्रता का गुणगाते हुए प्रख्यात हिंदी कवि राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है, एक घड़ी की भी परवशता कोटि नरक के सम है, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। अर्थ पर आज हमने बात की दुख और स्वतंत्रता की, कल करेंगे बातें ईर्ष्या की। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राजन कल फिर लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा, आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर।